हाय गाइस, इस वीडियो में मैं फुल डे इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान दिखाने वाली हूँ। ये डाइट प्लान में 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर बताऊँगी, क्योंकि यही सबसे सही है करने में। 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में पहले कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 16:8 प्लान में सुबह का नाश्ता स्किप करना होता है, खाने का टाइम 8 घंटे का है और बाकी के 16 घंटे फास्टिंग करना है। इसमें सोने का टाइम भी इंक्लूडेड है। टाइमिंग्स कुछ ऐसे हो सकते हैं, 11 AM टू 7 PM, 12 PM टू 8 PM, 1 PM टू 9 PM, 2 PM टू 10 PM, 3 PM टू 11 PM एट्सेट्रा। ये टाइमिंग सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए हैं, अपने स्केड्यूल के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अगर नाइट शिफ्ट करते हैं तो रात का खाना मिस करना है। लास्ट खाने के 2 घंटे के अंदर सोने की कोशिश करें, नहीं तो फिर भूख लगने लगेगी। काफ़ी लोग सुबह से शाम तक ये डाइट फॉलो करते हैं जिसमें नाश्ता होता है। मेरे हिसाब से ये टाइमिंग ठीक नहीं है। 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग में नाश्ता नहीं करना और खाली पेट एक्सरसाइज करने से वज़न जल्दी कम होता है। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जिनका वज़न कम होना रुक गया हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके ग्रोथ हार्मोन लेवल्स बढ़ते हैं, जिससे मसल और हड्डियाँ बढ़ते हैं। इससे आपका मसल लॉस नहीं होता, बल्कि आपके मसल्स बढ़ेंगे। अगर कोई मल्टीविटामिंस या सप्लीमेंट्स लेते हैं तो लेते रहें, और अगर नहीं लेते हैं तो लेना शुरू कर दें। मेरे डाइट प्लान में न्यूट्रिशियस हाई फाइबर हाई प्रोटीन खाना है, जिससे पेट भरा रहेगा ज़्यादा कैलोरीज लिए बिना। डाइट प्लान बताने के लिए मैं दोपहर 1 बजे से रात के 9 का टाइम ले रही हूँ। इस टाइमिंग को आप अपने हिसाब से बदल लें। आप 8 घंटे में 3 बड़े मील्स ले सकते हैं, लेकिन मैं 2 बड़े और 3 छोटे मील्स दिखा रही हूँ ताकि भूख ना लगे। तो चलिए फुल डे 16:8 मील प्लान शुरू करते हैं। दिन की शुरुआत 1 बजे स्पिरुलिना पाउडर ड्रिंक के साथ करें। इसे किसी भी फ्रूट या सब्जी के जूस या पानी के साथ मिक्स कर लें। ये एक बहुत ही अच्छा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स है। ये एक सुपर फूड है और इसमें 50-70% प्रोटीन है और वज़न कम करता है। इसमें पोटाशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, आयन भी है। इसमें क्लोरोफिल भी बहुत है, जिससे हार्मोनल बैलेंस, डाइजेशन इम्प्रूव और वज़न कंट्रोल में रहता है। इसमें विटामिंस जैसे B1, B2, B3, B6, फॉलिक एसिड, बायोटिन, B12, विटामिन ई भी बहुत है। 15 मिनट के बाद लंच करना है। वैसे तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे ब्राउन राइस के साथ दाल, रोटी के साथ कोई सब्जी और दही। मेरे चैनल में काफ़ी सारे वेट लॉस रोटी की रेसिपीज़ हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। ब्राउन राइस इसलिए कहा है क्योंकि ये एक होल ग्रेन है और सफ़ेद चावल से कहीं ज़्यादा हेल्दी है। इसमें बहुत सारा फाइबर, विटामिंस और मिनरल्स हैं। सफ़ेद चावल ना लें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टार्च होता है और पेट जल्दी भर देता है बिना ज़्यादा न्यूट्रिशन दिए। अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन लें, क्योंकि ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे लेमन पेपर चिकन, बीट चिकन या कैबेज चिकन के साथ रोटी और दही। इनकी रेसिपीज़ मेरे चैनल में हैं। 2 बजे 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर विद मदर 1 ग्लास पानी के साथ लें। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग में काफ़ी हेल्प करता है। ये पीएच लेवल और ब्लड शुगर ठीक और बॉडी से चर्बी कम करता है। एसीवी भूख कम और बॉडी डिटॉक्स करता है। 4 बजे 1 ग्लास बादाम, सोया, ओट्स या सादा दूध लें। साथ में मुट्ठी भर नट्स जैसे बादाम, अखरोट या मैकेडेमिया ले लें। नट्स से आपको मिनरल्स मिलेंगे जो इस डाइट में ज़रूरी हैं। 5:30 बजे 1 बोल फ्रेश फ्रूट लें, कोई भी हो सकता है, जैसे केला, अंगूर, कीवी, संतरा, पाइनएप्पल, पपीता वगैरह। फ्रूट से आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपके हेल्थ और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। 7:00 बजे 2 उबले अंडे या मुट्ठी भर रोस्टेड चना या मूँगफली, उबली हुई मूँगफली या मखाने ले लें। स्नैक्स में कुछ भी ले सकते हैं जो आसानी से मिल जाए और न्यूट्रिशन हो। अंडे और मूँगफली दोनों अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन और अच्छे फैट्स के। मखाने में भी काफ़ी प्रोटीन, पोटाशियम, फॉस्फोरस, आयन और जिंक है। अब 8:30 बजे डिनर है और ये आखिरी मील है दिन का। 1 बोल प्लेन पालक या पालक पनीर के साथ रोटी या ब्राउन राइस लें। पालक में बहुत सारा नाइसिन, जिंक, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, सी, ई, के, थायमिन, B6, फोलेट, कैल्शियम, आयन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कॉपर और मैंगनीज है। दूसरे शब्दों में इसमें वो सब है जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, इसलिए पालक इस डाइट में इंक्लूडेड है। और लास्ट में 8:55 को 1 ग्लास पानी के साथ ACV विद मदर लें। और अब आपकी 16 घंटे की फास्टिंग शुरू होगी।
इस टाइम में आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ भी पी सकते हैं जिसमें कैलोरीज ना हो, जैसे कि चाय, कॉफ़ी में दूध या मलाई ना डालें, प्लेन ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी ले सकते हैं। बॉडी को फैट, आपकी जमी हुई चर्बी से जलाना है, इसलिए कोई कैलोरीज नहीं लेनी है। मैग्नीशियम, पोटाशियम, सेलेनियम वगैरह के लेवल्स ठीक रखें, नहीं तो आपको वीकनेस या क्रैम्प्स पड़ेंगे। इसलिए बॉडी हाइड्रेटेड रखने के लिए इनमें से कोई भी ड्रिंक्स कम से कम दिन में 3 लीटर पिएं, जैसे कि फ्लैट बेली डाइट ड्रिंक, बैंगन का पानी, नींबू पानी या सादा पानी, लेकिन इसमें चीनी ना डालें। इनमें से कुछ भी लें, लेकिन 1 टीस्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट हर 2 लीटर ड्रिंक में ज़रूर डालें। इस नमक में 84 एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। ये ड्रिंक्स फास्टिंग के समय पिएं क्योंकि इनमें 0 कैलोरी है, जैसे ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, ब्लैक टी वगैरह। दिखाया हुआ मील प्लान एक सैम्पल डाइट प्लान है। आप इनमें से कोई भी खाने के आइटम्स बदल सकते हैं, बस इंश्योर करें वो हेल्दी हो, कैलोरीज में कम हो और प्रोटीन्स और फाइबर्स में ज़्यादा हो, ताकि आप फास्टिंग पीरियड में ठीक रहें। खाना किसी भी ऑर्डर में खाएं, 2 या 3 बड़े मील्स या 2 बड़े और 3 छोटे, जैसा आप चाहें। ये 4 चीज़ें मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो तो। मल्टीविटामिंस, स्पिरुलिना, एसीवी विद मदर और हिमालयन पिंक सॉल्ट। आखिरी 3 के बारे में मेरे चैनल में वीडियोस भी हैं, इन्हें ज़रूर देखें ताकि उनके फ़ायदे, कौन नहीं ले सकते हैं वगैरह आप जान पाएँ। ये सभी आपको ज़रूरी मिनरल्स और विटामिंस, बॉडी डिटॉक्स और वज़न कम करने में हेल्प करेंगे। मल्टीविटामिंस आपके बॉडी की ज़रूरी सप्लाईज ठीक रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर इनमें से कुछ ना लेना हो तो ना लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेडीज़ जो 16 घंटे फास्ट नहीं कर सकती वो 14 घंटे करें, लेकिन मेन 16 घंटे ही करें। आपकी बॉडी धीरे धीरे इस फास्टिंग को अडॉप्ट कर लेगी और भूख लगनी कम हो जाएगी। आपकी बॉडी में काफ़ी बदलाव आएगा, बॉडी फैट बहुत कम हो जाएगा, खासकर हिप्स, थाइज और पेट के एरिया से। अब मुझे पता है कि मुझे सबसे ज़्यादा सवाल एक ही चीज़ को लेकर आएंगे कि क्या हम चाय और कॉफ़ी पी सकते हैं। जी हाँ, वो आप 8 खाने वाले घंटों में नॉर्मल चाय कॉफ़ी जितनी बार चाहें उतनी बार पी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक हेल्दी मील प्लान बताया है। ये प्लान आप जब तक चाहें तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इस प्लान को इंग्लिश और डिटेल्ड में मेरे चैनल वर्सेटाइल विकी में देख सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको मैं 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग समझा पाई हूँ। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे और वीडियोस आप मुझसे देख पाएँ। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक सोचना छोड़ें और करना शुरू करें, क्योंकि अपनी बॉडी में बदलाव सिर्फ आप ही ला सकते हैं। बाय बाय। हाय गाइस, काफ़ी सारे सवाल आते हैं पानी कितना पीना चाहिए, इसलिए आज का वीडियो उसी के बारे में है। हर दिन 5 लीटर पानी पीने की सोच पे मैं बिलीव नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि एक एवरेज मेल को 3.7 लीटर्स और एक एवरेज फीमेल को 2.7 लीटर्स पानी पीना रिकमेंडेड है। ये इनटेक कम या ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप काम क्या करते हैं, मौसम या कितनी प्यास लगती है वगैरह। जब आप डाइट पे होते हैं तब पानी कितना पीना है ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कम पियेंगे तो डिहाइड्रेट होंगे और अगर ज़्यादा लेंगे तो वाटर वेट बढ़ेगा। इसे कैलकुलेट करने का एक ईजी तरीका है। अपने वज़न को 30 से मल्टीप्लाई करें और जो नंबर आए उतना मिलीलीटर्स में पानी पीना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 80 किलोज़ के हैं तो 80 × 30 2400 ml है, यानी कि 2.4 लीटर्स पानी। अगर 200 पाउंड्स के हैं तो लगभग 90 किलो हुआ, तो 90 × 30 है 2700 ml। और अगर 65 किलोज़ के हैं तो 65 × 30 है 1950 ml। अगर इस तरह की कैलकुलेशन में नहीं आना चाहते हैं तो सिंपल है कि आप 8 ग्लास पानी हर दिन पिएं। मैं 8x8 रूल रेकमेंड करूंगी, इसका मतलब है 8 ग्लास पानी और हर ग्लास में 8 आउंस पानी। 8 आउंस होते हैं 236 ml या लगभग 1 कप पानी। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, इस रूल को फॉलो करें बिना किसी कन्फ्यूजन या कॉम्प्लिकेशंस के। अगर आप ये सोचते हैं कि हम पानी पियेंगे तो वज़न कम होगा तो ये गलत है, क्योंकि इससे आप बॉडी में वाटर रिटेंशन और वज़न कम होना रुक जाना जैसे रिस्क बढ़ा रहे हैं। इससे मोटापा और वज़न ही बढ़ेगा, इसलिए 8x8 रूल फॉलो करें। पूरे दिन का पानी एक साथ पीने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके किडनीज़ की एक लिमिट होती है पानी साफ़ करने की, इसलिए पानी टाइम टाइम पे ही पिएं। आशा है कंटेंट आपको पसंद आया हो।
वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक पानी अपने प्यास के हिसाब से पिएं, क्योंकि सिर्फ आप ही जानते हैं कि आपके बॉडी को पानी की कितनी ज़रूरत है। बाय बाय।